दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग हिल्स। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हैं मॉर्निंग हिल्स में, जैसे कि आपको पता है। और मैं मॉर्निंग का व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत मॉर्निंग व्यू है। फॉग चारों तरफ है और बहुत ही क्लोज नेचर के हम बैठे हुए हैं। और ये हमारे साथ डॉगी रात को हमारे साथ ही रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जानवर आ सकता है, तो डॉगी काफ़ी सेफ्टी करते हैं हमारी। और रात को हमने बारबेक्यू किया और काफ़ी, मतलब कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा तो बारबेक्यू का। और कैंपिंग की जरूरत नहीं पड़ी और हम सब एडजस्ट हो गए थे। और ये नेचर देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मॉर्निंग हिल्स हरियाणा का हिल स्टेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम तो यही है कि अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ा वॉकिंग करके आएंगे। अभी ये पीछे हमारे देखिए ये था हमारा कॉटेज, यहाँ पे हमने स्टे किया। और ये हमारे पीछे बाइक खड़ी होगी, वैन, और उसी वैन के साथ पीछे बाइकें खड़ी हैं। और ये पूरा जंगल एरिया है, पूरा बहुत ही शानदार। शेरू ऊपर घूम के आते हैं, थोड़ा चलते हैं। अभी दोस्तों हम मॉर्निंग हिल पे हैं और व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। मैं चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। और ये हम कॉटेज में आए हुए हैं, अमित भाई का कॉटेज है यहाँ पे। और बहुत ही शानदार लोकेशन पे है, मैं दिखा देता हूँ। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी पे हम घूम रहे हैं और बहुत ही शानदार है। और पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे, बहुत ही शानदार है। और चारों तरफ का व्यू लाजवाब है, लाजवाब। और जो वेदर है एकदम प्लेजेंट वेदर है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय, बहुत ही एंजॉय हो रहा है। दोस्तों अभी हम हैं हेलीपैड पे। ये जहाँ हमारा स्टे है उससे 2 किलोमीटर आगे जाके एक हेलीपैड बना हुआ है। और यहाँ पे हम आए हैं और व्यू देखिए चारों तरफ का, बादल हमारे आसपास चारों तरफ बादल से घिरे हुए हैं। हम रास्ता अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जब एक बार टाइल वगैरह लग जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रास्ता हो जाएगा। तो अमित भाई, भाभी जी और मैं और भाई मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं। कल से 500-600 फोटो खींच चुके हैं अमित भाई। अमित भाई 500-600 फोटो खींच चुके हैं और लग रहा 1,000-1,500 और हो जाएंगी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चल रही है हमारी और पूरा जंगल नाप दिया है हमने। और ये खेतों के अंदर से जा रहे हैं, ये देखिए खेत। अभी मक्के के खेत से होके हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सब। अमित भाई, भाभी जी, और फोटोग्राफी भी चल रही है। चलो ऐसे करना। ओके ऐसे करो। बाय। गाइस अभी भी हमारी मॉर्निंग वॉक ही चल रही है और काफ़ी एरिया हमने कवर कर लिया है। बहुत ही अच्छी ट्रैक हुआ हमारा आज। और अब हम वापसी अपने कॉटेज में जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े घर बना के छोड़े हुए हैं यहाँ पे एज ए हॉलीडे होम वगैरह। बहुत ही शानदार है मॉर्निंग हिल, बहुत ही शानदार है हमारे हरियाणा की हिल स्टेशन। और अभी हम तकरीबन 4-5 किलोमीटर पूरा वॉक करके आए हैं। यहाँ से गए थे इस रास्ते से और
उस रास्ते से वापस आए, पूरा एक सर्कल काट के आए पूरी पहाड़ी पे चढ़ के, और हम वापस अपने कॉटेज में आ गए। ये हमारे पीछे कॉटेज है और वो हमारी बाइक्स खड़ी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वही अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अभी, तो अभी हेल्प करेंगे पराठे बनाने में। भाभी पराठे बना रही हैं नाश्ते में, देखो भाभी और बीबी तो ऐसी लगी है। बीबी सर बेल रही है सारा 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 क्रेडिट ही बीबी को जाना चाहिए, उन्होंने किया तो। अरे यार बस करो। और ये दही, तो हमारा दही पराठे का नाश्ता होगा। तो अभी जाहिद भाई और ध्रुव आशीष सब मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं, हम पहले होके आ गए हैं, 4-5 किलोमीटर हमने वॉक किया है। और वेदर देखो कितना शानदार वेदर हो गया पूरा, पहले धूप निकले परांठे खिला देना। ब्रेकफास्ट करते हुए मस्त है भाई, मौसम मस्त, आलू दा पराठा विद आलू दा की है, पता नहीं किस सुखदेव का, आ सुखदेव फेल है यार, सुखदेव फेल है। आलू प्याज है मस्त है दिव्या, ये गरम दे देती हूं, गरम लो भाई, देखो कितने ड्राई ड्राई है ना। भगवान अगर है तो खाने में। दोस्तों रेन स्टार्ट हो गई है, आप देख पा रहे हैं कि रेन हो रही है। अगर हिल स्टेशन पे आपको रेन मिल जाए तो होने पे सुहागा हो जाता है। ऑलरेडी कल से वेदर यहाँ का बहुत ही औसम था और रेन आने के बाद तो 4 चांद लग चुके हैं इस वेदर में। तो हम सब ने डिसाइड किया है कि आज रात को हम यही स्टे करेंगे और कल सुबह 5 बजे मॉर्निंग 5 बजे हम निकल जाएंगे दिल्ली की ओर। तो ये सामने का व्यू हमारे बिल्कुल कॉटेज के सामने का माउंटेन व्यू है और रेन के बाद बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, लश ग्रीन माउंटेन्स हैं और बहुत ही शानदार हैं। तो दोस्तों अभी का प्लान मैं बता दूं, हमने आज यहीं पे स्टे करने का फैसला किया है ड्यू टू दिस वेदर, हम वेदर का एंजॉय करेंगे। और अभी हम सब रेडी हैं ट्रैक करने के लिए, तो हम जंगल ट्रैक करने जा रहे हैं और विलेज ट्रैक करने जा रहे हैं। तो ये सामने रास्ता जा रहा है, तो इसी रास्ते से हम आगे ट्रैकिंग करेंगे और आगे जो विलेज है उसको ट्रैक करेंगे। हेलो जाहिद भाई, हेलो हेलो, तो हमारे ग्रुप रेडी है, तो हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, तो आप एंजॉय कीजिए हमारे ट्रैक को। हेलो बाय। तो ये मेरे सामने हिमाचल प्रदेश की जो नाहन ज़िला है वो दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल वाइट रंग के आपको मकान दिख रहे होंगे छोटे छोटे, पूरा कस्बा नज़र आ रहा हो, वो नाहन है हिमाचल प्रदेश का। ये पूरा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, ये इलाका है हिमाचल का, और ये है हरियाणा जो मोरनी हिल्स है, मतलब कि हरियाणा और हिमाचल का ये बॉर्डर लाइन्स हैं मोस्टली। और ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू पूरा पहाड़ का, बहुत ही शानदार। पूरे गांव का एक्सप्लोर करते करते हम यहां तक पहुंच गए हैं और हाफ एन आवर और 1 आवर हो गया हमें चलते हुए। भाई लोग कसम से बहुत ही खूबसूरत व्यू है मेरे सामने, ये पूरे पहाड़ हैं, ये हिमाचल के पहाड़ हैं, पीछे मैंने नाहन दिखाया था और ये इस तरफ ये राइट हैंड साइड के पहाड़ हैं ये मेरी तरफ, और चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और हम वापसी जा रहे हैं अपने
कॉटेज पे। काफ़ी देर से हम ट्रैक कर रहे हैं और एक गांव, छोटे से गांव तक पहुंचे थे, वहां एक दो घर थे बस, वहां पे ट्रैक करके हम वापसी अब जा रहे हैं क्योंकि अभी प्रिपरेशन करनी है रात के डिनर की। सामान मंगवा लिया था, अब हम जाके प्रिपरेशन करेंगे। और व्यू बहुत ही खूबसूरत है मोरनी हिल्स। अब आएँ तो कम से कम एक दो दिन का स्टे जरूर करें, ब्यूटीफुल प्लेस है, और एक्सप्लोर करें गांव में जाके, थोड़ा काफ़ी अच्छा जगह है। और सुबह 5 बजे हम निकलेंगे अपने घर को, आज सभी का डिसाइड हुआ कि हम सुबह निकलेंगे 5 बजे, क्योंकि कल बहुत ही शानदार मौसम था और बहुत मज़ा आया, इस वजह से एक दिन हमने एक्सटेंशन ले ली। लेकिन बारिश बहुत हुई थी, अभी 1-1.5 घंटा खूब बारिश हुई जम के, जिसकी वजह से फिर सारे रास्ते ख़राब हो जाते हैं यहाँ। तो अभी बस रात को हम फिर एंजॉय करेंगे खा पी के और जल्दी सोने की कोशिश करेंगे और फिर निकल जाएंगे सुबह 5 बजे।